हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एप्पल कुर्ती बताएंगे जिसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये देखिए, कपड़ा हमने फोर लेयर में कर रखा है। जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं उस हिसाब से कपड़े को कट किया है। और जो इसकी लंबाई रखेंगे, तैयार होगी हमारी 34 इंच। और इसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, इसमें ज़्यादा फोल्ड नहीं होता है नीचे की तरफ। सबसे पहले हम इसका गला नापेंगे। गला रखेंगे हम इसका 3 इंच, और जो गले की गहराई रखेंगे वो रखेंगे हम 6.5 इंच। तैयार हमारा 6 होगा, आधा इंच तीरा में जाएगा, और नीचे से भी इसे 3 रखेंगे। इसे इससे मिला देंगे। उसके बाद जो हम अपना तीरा रखेंगे वो है हमारा 13 इंच, तो उसका हाफ लेंगे हम 6.5 इंच। और जो हम अपने आर्म होल लेंगे वो लेंगे हम 7 इंच। इसे इससे मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से देखिए, आधा इंच डाउन करके इसे गले की साइड मिलाएंगे इस तरीके से। और जो इसमें कर्व देंगे हम आर्म होल में, बैक वाले में हम 1.5 इंच का देंगे और फ्रंट में 1 इंच का। और जो फ्रंट वाले का वो अंदर से आधा इंच और गहराई में लेना होता है। उसके बाद अपनी ब्रेस्ट नापेंगे। ब्रेस्ट है हमारी 33 इंच। 33 का फोर्थ भाग करेंगे तो 8.25 आएगा। 8.25 में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे हम लूजिंग के लिए, तो इसे पूरा 10 इंच लेंगे यहाँ से। और कमर है हमारी 29 इंच। ये देखिए, जो हम कमर के लिए नाप लेते हैं वो 7 इंच नीचे लेते हैं यहाँ से। कमर हमारी 29 इंच है, उसका आएगा फोर्थ भाग 7.25। 7.25 में 2 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ से, इसे 9 इंच लेंगे। और जो हम अपने यहाँ हिप रहेंगे वो हम अपने 13 इंच रखेंगे। ये देखिए, जो हम अपनी कमर लेंगे वो हमारी 35। 35 का फोर्थ भाग आएगा 9.25, और उसमें हम ये कपड़ा 10 है हमारा, इसे टोटल लेंगे यहाँ से। और इसमें ज़्यादा स्लिट नहीं मोड़ते हैं, इसलिए इसे यहाँ से इस तरीके से लेंगे। और नीचे की साइड से इसमें करीब 1.5 इंच की गोल कर्व देंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पर आएगी। और गले को हम नॉर्मल कैसे भी आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, इसमें हम गोल कर्व देंगे। सबसे पहले हम ये बाहर की साइड से कट करेंगे। इसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए, हम अपना गला कट करेंगे। और ये आर्म होल की साइड से भी कट करेंगे। देखिए, इसकी इस तरीके से शेप आएगी नीचे से। उसके बाद ये देखिए, हम बाजू कट करेंगे। बाजू हमारे तैयार है 4 इंच। 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है इसमें फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से इसे 9 इंच लेंगे। आर्म होल हमारे 7 हैं, उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। और यहाँ से इसे 2 इंच लेंगे खुले की साइड से, और इसे इस तरीके से मिलाएंगे।
और इसमें फ्रंट पीस में आधे इंच की गहराई और देंगे। और ये आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रखें, हमारी फिटिंग है 6 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच कपड़ा और लेंगे, 7 इंच लेंगे, इससे ऐसे मिला देंगे इसको, इसे इसी तरीके से कट करेंगे। इसे खुला करके 2 पीस में और कट कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा गले में से कपड़ा निकला है इसको हमने फोल्ड किया है इसी तरीके से, और इसे रख के गले की पट्टी कट करेंगे हम, इसे बिल्कुल इतना ही मार्क कर लेंगे यहाँ से। और इसे कट कर लेंगे इसी तरीके से। ये करीब हम 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे, ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसलिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये देखिए हमें बुकरम पर नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, अब इसे सिलना बताएंगे आपको। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें बुकरम सेट करेंगे गले की पट्टी में, ये अपनी फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं हम ये। ये पूरे गले पे बुकरम को लगा के इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए अब इसे बाहर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पूरे को, पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। ये देखिए ये पूरे पे लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हमने कपड़े में गला कट किया है, अब उसके बाद ये देखिए इसे गले के ऊपर रखेंगे। सिलाई को बुकरम के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना है। ये इसी तरीके से पूरे में सिल के तैयार करना है हमें। ये देखिए ये हमने पूरे में लगा लिया, और इसमें हल्के हल्के कट्स लगाने हैं हमें सिलाई से अलग। और इसे पलट के अंदर की तरफ करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये सिलाई पूरे में लगा के तैयार करेंगे इसी तरीके से। अब ये देखिए गले को पलट के हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। उसके बाद में उल्टी साइड की तरफ ये हमें हल्का हल्का फोल्ड करना है, जहाँ तक हमारे स्लिट आएंगे वहाँ से स्लिट को हम चौड़ा फोल्ड करते हैं, लेकिन ये हल्का हल्का सा फोल्ड करना है, ये उल्टी साइड को करना है फोल्ड हमें। देखिए इसे अच्छे से, कपड़े को नीचे से खींचना नहीं है, ये और में कट हुआ है तो बढ़ता है खींचने से। इसे ऐसे पकड़ के, इसे ऐसे सीधा खींच के नहीं लेना है, इसे यहाँ से पकड़ के और ऐसे अच्छे से फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसे पूरे को फोल्ड करके तैयार करेंगे। इसे ऐसे खींच खींच के फोल्ड नहीं करना है, ऐसे धीरे से वहीं के वहीं पकड़ के इसे फोल्ड करना है। ये देखिए ये दूसरा वाला कॉर्नर है, इसी तरीके से फोल्ड करना है इसको भी। देखिए ऐसे
इसे इसी तरीके से पूरे को फोल्ड करके तैयार करेंगे दूसरे कॉर्नर तक। अब ये देखिए, ये जो हमारा दूसरी स्लेट का कॉर्नर कट किया है हमने, वहीं तक फोल्ड करना है ये रहा। और उसके बाद इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। लेस को हमें यहीं से शुरू करना है लगाना, जहां से हमने इसे फोल्ड किया है। ये इसी तरीके से हम इस पूरे चौक पे लगा के इसे तैयार करेंगे। ये देखिए कॉर्नर पर से इसी तरीके से लेना है, हल्का से इसे घुमा घुमा के इसमें गोल करवाया हुआ है, इसी तरीके से लेना। और दूसरे वाले पीस को भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है जैसे हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पीस को तैयार किया, और इसी तरीके से हमने बाजू पर भी लेस लगा के तैयार कर लिया है। अब ये देखिए, उसके बाद इसका तीरा जॉइंट करेंगे। इसे यहां से ऐसे पक्का कर लेंगे। और इसके ऊपर एक और पक्की सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए इसी तरीके से ये दूसरा वाला तीरा जॉइंट करेंगे। इस पर भी पक्की सिलाई लगा तैयार करेंगे। अब ये देखिए, उसके बाद हम इसमें अपनी बाजू जॉइंट करेंगे। जो हमने कट किया है वो फ्रंट पीस की तरफ ही रखना है। जैसे हम इस वाली बाजू को लगा रहे हैं, इसी तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू को लगाना है। देखिए इस तरीके से ये लगा के पूरे करना है। इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, उसके बाद अपने फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकती हैं। देखिए इसे इस तरीके से अच्छे से सेट करके तब लगाना है। इस सिलाई को हमें ऐसे लेके आना है बाजू की तरफ से। इसी तरीके से हम यहाँ जहाँ तक हमारी ये हिप है वहां तक लगाएंगे। यहाँ से इसे पक्का कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये एप्पल कुर्ती हमारी आपके सामने बनके तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।